बेटा, तेनु पता है कि छुटको चानक रोन क्यों लग पई? पता नहीं सुपर मॉम। हाँ, मैं उन्हें जाके उन्हें पूछता है जी वे है उन्हें। नूर, तू बड़ा शरारती है, मैंने सच दस दे कि तू मेहर ने कुछ कहा था? नहीं नहीं मम्मी, मैं उन्हें कुछ भी नहीं किया। मैं उन्हें पूछ के आंदा है कि हो या उन्हें। तुसी इत्थे रुको। छुटकू, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ पता तो नहीं लगया? नूर, वो तेन पता है ना सुपर आंटी ने कहानी विच की किया सी? पता है ना वो अमीर बंदे नाल की होया सी, जिन्हें उस गरीब बंदे ने धोखा दिता सी? वो भी गरीब बन गया सी। असी भी झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है नूर। ऐदा दा कुछ भी नहीं होना, असी केड़ी चोरी कीती है? पर नूर, झूठ बोलना भी गलत कर लें। की गल कर रहे हो तुसी दोवे? की झूठ बोलिया तुसी सानू? नहीं सुपर मॉम, असी तां कुछ भी नहीं किया। असी थोड़ी ना कोई झूठ बोले है। छुटकू, तू दस, कुछ लुका रही है साडे कोलो? नूर अपने मैथ्स के टेस्ट विच फेल हो गया, ते मेनू मेरे टेस्ट विच बी ग्रेड मिले है। असी तेन सच नहीं दसिया, मेनू माफ कर दो। नूर ते मैं अगो दी बड़ी पढ़ाई करांगी, ते ए ग्रेड लिया के दिखावांगी। पक्का सुपर आंटी? सुपर मॉम, तुसी गुस्सा ना करो, पर थानू तो यह पता चल गया है ना, पर मम्मी नू ना दस्यो, नहीं तो उन्होंने मेनू बड़ा कुटना है। सब सुन लिया है मैं। मेरी गल सुनो दीदी। भाभी तुसी विच ना बोलो, इधर आ तू जरा। तेरी हिम्मत की भी होगी मेरे झूठ बोलन दी? पहला जो तू सच दस दिंदा ना, तो तू बच जांदा नूर, हुन नहीं तो बचदा मेरे हथों। मैं डर गया सी मम्मी, मेनू लग्या जे मैं कहंगा कि मैं टेस्ट विच फेल हो गया तो तुसी मेनू बड़ा कुटना, इसलिए मैं थानू दसिया नहीं। अच्छा, ते हुन तेनू तेरी मां माड़ी लगन लग गई कि मैं तेनू हर वेले डांटती रहनी आ? हाँ, पागल है ना मैं जो तेनू हर वेले कुड़दी रहनी आ? तेनू समझ नहीं आंदी मैं तेनू बार बार कहंदी रही हां नूर, पढ़ लै पढ़ लै पढ़ लै, पर तेरे खाने विच तां गल ही नहीं पई। सच्ची दसा नूर, मैं कदी नहीं सोचा सी कि मेरा मुंडा भी इन्ना नलायक निकलेगा। सुपर मॉम, मैं पढ़ाई तो करदा हां ना, पर मेनू कुछ भी समझ नहीं आंदा। जदों मैं मैथ्स दी प्रैक्टिस करदा तां मेनू कुछ भी समझ नहीं आंदा, ऐवे लगदा है कि नंबर मेरे सामने नच रहे ने, सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। अच्छा, ते हुन वर्ड्स तेरे सामने नचन लग जाते ने। कोई ना, तन्नु तो मैं दस दी हां। मैं सच कह रही हां मम्मी, नंबर मेरे सामने नचन लग जाते ने। तेरे नंबर ना मैं नचने बंद करवानी जरा हुने। ठहर जा तू, सारिया अपनिया मैथ दी वर्कबुक कट के अज सारा सिलेबस कवर करेगा। चल कट अपनी मैथ दी वर्कबुक, हुने कट ते सारा सिलेबस अज दी अज कवर कर। फड़नु उठे बह चुप करके चल। सिमरन दीदी, माफ करना भाभी जी, तुसी इनू लेके बाहर जाओ, इनू तो मैं आप ही देख लवांगी, ये कुछ ज्यादा सिर ते चढ़ी जांदा है। तेनू तो मैं दस दी इस बारी पास किवें होना है। पर मार्क्स तो चुटकू दे भी कट आए सी ना, पर किसी ने उनू तो कुछ भी नहीं किया। हुन चुटकू भी मेरे नाल बह के इत्थे ही पढ़ेगी, असीं दोवे इकट्ठे पढ़ांगे। सॉरी बेटा, पर चुटकू अलग बह के ही पढ़े ना तां ही चंगा है, उन्हें अपने इंग्लिश की पोम याद करनी है। ठीक है छुटकू, इन्हें इत्थे अद्दा ही रोलन दो, बाहर चलो सारे जाने।
चले सी मोना। वैसे तो मैं हूं ठीक फील कर रही हूं, पर की करा पता नहीं तुसी मेरे बारे की सोच रहे होने हो ना। डोंट वरी मोना, जे डॉक्टर दी लोड़ सी तदी तैसे ही डॉक्टर को लाया ना। ते डॉक्टर ने कहा है ना तेनू अपने खान पीन का चंगी तरह ध्यान रखना है, ते अगो ध्यान रखी ते एदे बारे ज्यादा सोचना, कल जाके आराम करी। हूं मैनू इस बारे पावनी नाल गल करनी चाहिए, आने उते मैं भी मोना नाल आई सकदा, आखिर मेरा ये ता बच्चा जम रही है। पर फिर भी जे मेरी थां ते पावनी मोना नाल चेकअप कराने लई आए तो ज्यादा चंगा है। चल मोना से चलिए। हाँ ध्यान ना ले जाओ बस। सिमरन दीदी अज तुसी नूर ते कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता, तुहानू तो ओदी सेहत बारे पता ही है, जे तुसी ओ गल थोड़ी प्यार नाल कह देंदे तो ज्यादा चंगा हुंदा। तुसी मैनू की समझाओगे भाभी जी, थोड़ी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, जो थानू पता होवे कि बच्चे किवें पालने ने ते बच्चा नाल डील किवें करनी है। होर ते होर जे बच्चे दे सिर ते बच्चे दा प्यो दा साया ना होवे ना ते मां लई होर ज्यादा मुश्किल हो जांदी है। अज थानू चाहे चंगा लगे चाहे बुरा, अज मैं अपने दिल दी गल कह दिनी है भाभी जी, ए जो नूरा च बिगड़िया होया ना भाभी जी, ए थोड़े लाड प्यार दी वजह नाल ही बिगड़िया होया। सब तो ज्यादा गुस्सा ते मैनू इस गल ते आ रहा है कि ओदी हिम्मत किवें होगी मेरे नाल झूठ बोलन दी। जे अज मैं स्टेप ना चुकिया हुंदा ना भाभी जी ते पता नहीं अगे जाके उन्हें की करना सी। प्लीज भाभी जी हुण तुसी मैनू कोई लैक्चर ना देना, क्योंकि मैं चंगी तरह जानती हाँ मैं जो कुछ भी किता है नूर नाल बिल्कुल सही किता है। की चाहिए तेनू गुरवीर, तेनू समझ नहीं आ रहा मैं बार बार फोन कट रही, मैं तेरा गल नहीं करना चाहती। सिमरन की होया तेनू, प्लीज कोई परेशानी है दस ना मैनू, मैं तेरे नाल खड़ा, तू मैनू दस की होया, इना गुस्सा काला होया तेनू। तेनू सब पता है गुरवीर, मैं बहुत कुछ सहन कर चुकी हूं, हुन मेरे च इन्नी हिम्मत नहीं है। तू चंगी तरह जानता है गुरवीर मैं एक विधवा हाँ ते कल्ली अपने बच्चे नू पाल रही हूं, मेरे वास्ते सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है, मैनू मेरी जिंदगी विच होर कोई टेंशन नहीं चाहिए, ना मैनू किसी दे प्यार दी लोड़ है, ना मैनू किसी दे साथ दी लोड़ है, ना ही मैनू किसी दे सलाह दी लोड़ है। बस गुरवीर प्लीज हुन तू कुछ ना बोली, मैं चंगी तरह जानती कि मैं अपने बच्चे नू किवें पालना ते किवें नू वड्डा करना है। इना दुखी तो मैं कदे भी नहीं वेख्या सिमरन नू, किसी ने कुछ कहता नहीं दिता उन्हू, पक्का किसी ने कुछ कहा है उन्हू। मैं उदे नाल रहना चाहना, उदा हर दुख मनाउना चाहना, मैं करां तां की करां। होनी नहीं चाहिदी सी, जी करदा है इस किताब नु कर तो बाहर ही कर देवा, ए मैथ होनी नहीं चाहिदी सी। तू एथो चली जा, मैं तेरे नाल कोई गल नहीं करनी। मैंने माफ कर देनी, मैं मानती हूँ तू मेरे तो गुस्सा है, तो मैं चंगा ही तो किता, झूठ बोलना तो गलत होंगे ना, मैं सच्ची तो बोलिया। मैं क्या तू चली जा, होर जाके उन्हां नूं सच दस ते होर जाके मैनूं कुटाई पड़वा। तुसी मैनू की समझाओगे भाभी जी,
थोड़ी अपनी तो कोई औलाद है नहीं जो थानू पता होवे कि बच्चे किवें पालने ने ते बच्चा ना डील किवें करनी है। मैं तुहाडे दुख नू समझ सकती हां सिमरन दीदी, तुसी अपने अंदर अपने दुख नू कले कले पीन दी कोशिश कर रहे हो, ताहे ता तुहाडा गुस्सा दूजा ते उतरद है। काश तुसी अपना ध्यान गुस्से दी बजाय अपने आप नू खुश रखन विच ला लो। नाले मैनू तां आ समझ नहीं आंदा कि इहो जिही वी कीड़ी मजबूरी है कि तुसी डॉक्टर गुरवीर नाल गल ही नहीं कर पा रहे हो। सुपर आंटी। हाँ पुत्र। ये ना बाऊची जी डायरी है, उन्होंने मेरे वास्ते दी सी। ये ना मेरे तो पढ़ी नहीं जाती क्योंकि इनू पढ़ने के बाद मैनू मेरे बाऊची जी याद आ जाती है। तुसी ये दो पन्ने मैनू पढ़ के सुना दो। हाँ हाँ बेटा सुना देंगे। अच्छा तेरे बाऊजी लिखते ने कि जिंदगी में सच और ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, चाहे जो भी हो जाए इंसान को हमेशा सच ही बोलना चाहिए। सच बोल के जो हमारा नुकसान होता है ना, वो झूठ बोले नुकसान से हमेशा कम ही होता है, इसलिए हमेशा सच बोलो। ओ चुटकू मैंनू अपना पेपर दे। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब है कि तुसी बड़े ही प्यारे ते चंगे बच्चे हो। मैं तो आ कहांगी कि तुसी ना हमेशा ऐदे दे ही रहना, चाहे जो भी हो जावे, कोई भी मजबूरी हो, तुसी अपने आप नू कदी भी बदलना नहीं। हां तुहानू पता है असी लोग आही तो गलती करदे हां, सानू लगता है कि झूठ बोल के असी बच जावांगे, पर झूठ कदे नहीं लुकता पुत्र, वो कदे ना कदे ता बाहर आंदा ही है। नूर ने भी ता आही गलती कीती। उनु क्या सी पर वो फिर भी नहीं मनिया। कोई नहीं, इस करके असी उनु कला थोड़ी ना छड़ सकते हैं, असी उदी गलतियां नु सुधार के उनु भी ता चंगा इंसान बनाने। सुपर आंटी नूर ना मेरे नाल गल नहीं कर रहा, हुण मैं की करां? वो हले गुस्से विच है ना, कोई नहीं जद ओनू अपनी गलती का एहसास हो जूगा ना, वो आपे तेरे कोल आ जाना है, आखिर तू ओदी बेस्ट फ्रेंड जा है। चल असी ओनू मनाउन लई ना ओदे लई कुछ बनाउन दे, फिर वेखी सब ठीक हो जाना है। सच्ची सुपर आंटी जी मेरे बच्चे। बड़ी पसंद है। हाँ। और कुछ? हुनूर दा चीज सैंडविच हो गया तैयार। ओ इनू खा के मेरे नाल खुश ता हो जाऊगा ना? वेख पुत्र, आ ता मैं नहीं जानदी। मेनू ता बस इन्ना पता है कि असी ये सैंडविच ओनू खुश करन लई बना रहे हां। ते वैसे भी एक ना एक दिन ता नूर ने तेरे नाल गल करनी है ना? ओ हले थोड़ा गुस्से विच है ना? तेनू थोड़ा सबर तो रखना पैना है। भाभी जी, I'm sorry। क्यों यार सिमरन दीदी, तुसी मेरे को सॉरी क्यों मांग रहे हो? मैं जानती हूँ भाभी जी, मैं थोड़े नाल बहुत गुस्से विच गल कीती है। मैनू यह भी पता है कि मैं जो कुछ भी नूर नाल कीता है वह गलत सी। तुसी जो कह रहे सी ना वो मेरी भलाई लिए ही कह रहे सी। पर तुसी सही कहा,
मैनू लो नाल इन्ने गुस्से विच गल करनी ही नहीं चाहीदी सी। सिमरन दीदी मैं जानती हाँ कि तुसी जो भी कहा ना वो दिलों नहीं कहा, नाले नूर ते झूठ बोलन करके तुसी भी तो परेशान ही सी ना। कोई ना दीदी छड़ दियो इन्ना ना सोचो। मैनू भी माफ कर देना सिमरन आंटी, मैं नूर दा सच दस के उन्हें डांट पवाई, वो एक चंगा मुंडा है। वो तो है, वो भी बड़ा चंगा मुंडा है, ते तू भी बड़ी प्यारी बच्ची है। एक्चुअली मैं ते इत्थे इसलिए आई सी, मैं सोचा नूर दा कुछ फेवरेट बना के उन्हें मना लवा। वो तो मैं बाद चो रियलाइज किया कि जे मेरा बिहेवियर नूर दे नाल ऐदा ही रहा तो मेरे नाल कदे सच बोलन की हिम्मत ही नहीं रखूगा, ते अगे जाके होर भी गल्लां मेरे तो लुकाएगा। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੂਰ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਉੱਤੇ ਸਮਾਈਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਈਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਸੁਪਰ ਆਂਟੀ, ਬਣਾਓ। हाँ पर हुने तो इत्थे सी, इन्नी जल्दी कित्थे चला गया? किते किते वॉशरूम विच तां नहीं? नूर 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 तो इत्थे भी नहीं है सुपर आंटी। नूर पुत्र कित्थे हो तुसी? नूर मैंने तो एवे कदे भी बिना दसे करो नहीं गया है। नूर फिर आज की वे चला गया? भाभी जी नूर कितने मेरे नाल गुस्सा होके घर छड़ के तो नहीं चला गया? वो तो है भी ना बच्चा, हाई हुन मैं की करांगी, मैं कित्थों लभांगी उन्हूं? नूर नूर नहीं है दीदी। की हो गया? क्यों सारा घर सिर ते चक रखा? की पहाड़ टूट पिया? बुआ जी नूर कितने नहीं मिल रहा, पता नहीं कितने चला गया। कितने गया ना की मतलब? पता नहीं बुआ जी, हर जगह लभ लिया पर मिल ही नहीं रहा। ले वेख लिया होना ना, होगी तसल्ली के हाले होर करनी है। ऐसे तरह ही करया करो अपनी मन मर्जियां, ना मेरी इस घर च सुनदा ही कौन है? एक जवाक नहीं थोड़े तो संभालिया जांदा। देख लिया ना की हो गया हुण? करण जी, करण जी नूर नहीं मिल रहा, पता नहीं कितने चला गया। तुसी अपने पुलिस स्टेशन विच कुछ बंदिया ने भेजो ना उन्हें लभन ने। हाँ जी सुपर आंटी, नूर ने चिट्ठी लिखी है ते मैंने भी मिली है, उसमें चने लिखी है मैं एक पूरा मुंडा हाँ, इसलिए इस करके मैनू घर में सारे डांट दे रहे, मैं घर छट के जा रही हूँ। बाय।